तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर जो है नवेगांव नेशनल पार्क। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, और हमने इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था और हमने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर ज़रूर जाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो हरियाली तो बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो हमें अच्छा लगा वो था ऐसी हरियाली में जो हम झूला झूल रहे थे, इतना मज़ा आया दोस्तों कि क्या बताऊँ। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर स्नैक्स मिल जाएंगे, और वो भी रिजनेबल रेट्स में, काफ़ी अच्छा था मित्रों। देख सकते हो बहुत बहुत ही मज़ा आया जो हम झूला झूल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि हम अपने बचपन में आ चुके हैं। जैसे हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो मित्रों वहाँ पर जो एक झाड़ था, झाड़ की डंकाल ही नीचे आकर गिर गई, तो वो एक्सीडेंट था, लेकिन इतना अजीब लगा हमें भी। तो आप देख सकते हो थोड़ा हम इंजॉय भी कर रहे थे और थोड़ा डर भी गए थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि बारिश का मौसम था तो थोड़ा बहुत है ना झाड़ों का ये गिर गया था। तो हमने ऐसा सोचा कि चलिए हम थोड़ा मदद करते हैं वहाँ के लोगों को, क्योंकि उसी के नीचे उनकी दुकान थी जो बेच रहे थे स्नैक्स वगैरह। तो हमने कोशिश किया कि हम उस झाड़ की टहनी को हटाएं, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी मजबूत थी वो टहनी, तो फाइनली हमें उससे वैसे ही छोड़ना पड़ा, ठीक है। लेकिन वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे हम आगे बढ़े तो हमें काफ़ी कुछ देखने मिला, इतना सुंदर व्यू था कि क्या बताएं, जहाँ तक नज़र जाती है बस पानी ही पानी, सुंदर आकाश, ऐसे नेचुरल व्यू आपको कहीं नहीं देखने मिलेंगे। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी ज़्यादा हरियाली है मित्रों वहाँ पर कि क्या बताएं, हम सभी बहुत बहुत ही खुश थे कि हमने ये डिसीजन लिया कि हम वहाँ पर जाएं। जहाँ तक नज़र जाएंगी आपको इतना सुंदर पानी दिखता था, एकदम क्रिस्टल क्लियर था, कि हमने जो ऊपर में क्लाउड्स है वो पूरे क्लियर उसमें दिख रहे थे, और पिक्स तो मित्रों इतनी अच्छी निकल रही थी कि क्या बताएं, बहुत ही बढ़िया। और ये लोकेशन तो वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर हमने इतनी अच्छे पिक्स ली थी कि क्या बताएं, ऐसा लग रहा था कि सिनेमैटिक कोई लोकेशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह से फ़ोटोज़ आ रही थी, बहुत ही प्यारी फ़ोटो आ रही थी। और आजू बाजू में है ना ऐसे मछुआरे मच्छी वगैरह पकड़ रहे थे, मतलब वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी ऐसी मछलियाँ भी थी, तो अगर आप फ़िश लेवर हो तो डेफिनेटली आप वहाँ से ताज़ी ताज़ी फ़िश परचेस कर सकते हो, और वहाँ पर रेस्टोरेंट में भी दे सकते हो खाने के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा। हम तो नहीं कर पाए लेकिन आप कीजिएगा। और हमने इतना अच्छा राउंड अप मारा, मतलब हमने पूरी जगह एक्सप्लोर करने का सोचा, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। जो आपको ये दिख रहा है दोस्तों ये इतनी अच्छी लोकेशन है, आजू बाजू में तालाब थे और तालाब में कमल के फूल भी खिल रहे थे, आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी काफ़ी अच्छा वहाँ पर में नज़ारा था। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्रिज था, और उस ब्रिज के थ्रू हमें एक आइलैंड तक जाना था। इतना अच्छा था मित्रों वो नज़ारा कि हम उस ब्रिज के थ्रू जा रहे थे और आजू बाजू में पानी ही पानी और कमल के फूल, और इतना मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा था दोस्तों वहाँ पर जाकर। जैसे कि देख सकते हो बहुत बहुत ही प्यारा नज़ारा, हर जगह पर आपको काफ़ी कुछ देखने मिल जाएगा। जैसे ही हम उस आइलैंड तक पहुँचे तो वहाँ पर छोटा सा ऐसा एक एंट्रेंस बना हुआ था, और उस एंट्रेंस के बाद हमने एक स्टेयर्स मिलती है, ठीक है, उन स्टेयर से हम थोड़ा जैसे ही नीचे आ रहे थे तो क्या बताऊँ आपको, मतलब वो नज़ारा इतना ही प्यारा था। देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा हमें देखने मिला, और जैसे ही हम वहाँ पर बैठे तो हमें पता चला कि वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ भी थी, तो हमने तैयारी कर ली, अपनी पैंट्स ऊपर कर ली, और बस दोस्तों पैर जैसे ही हमने पानी में डाला इतना अच्छा लगा कि क्या बताओ आपको, कि आप इमेजिन कीजिए कि आप वहाँ पर ऐसे बैठे हो उस आइलैंड पर, आपने अपने पैर उस पानी में भिगाए हैं और सामने आपके इतना सुंदर नज़ारा है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताएं। और जैसे कि देख सकते हो पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी था, और उस पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी थी, हमने जैसे ही अपना पैर डाला और थोड़ा सा उन्हें खाना दिया तो सभी मछलियाँ इकट्ठा आ गई अपने पैर के पास में, और इतनी गुदगुदियाँ हो रही थी मित्रों कि क्या बताएं, बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पर। इस तरह पानी में पैर डालकर, पानी भी बहुत ठंडा था,
और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर बैठकर। बहुत देर हम वहीं पे बैठे रहे, मतलब उस टूर का हमने आधा से एक घंटा तो वहीं पर हमने बिताया, क्योंकि इतनी प्यारी लोकेशन है कि क्या बताएं। जैसे कि देख सकते हो छोटी छोटी मछलियाँ हमारे पैरों के बीच में से और उसके आसपास तैर रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर बैठ। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में दोस्तों ये जो डैम बना है ये बहुत ही खूबसूरत है। भाई मगरमच्छ तो नहीं था? बड़ी मच्छी थी वो। कितना सही है, कितनी बड़ी मच्छी थी वहाँ पे, हाँ इतनी बड़ी लंबी। इतनी शांति थी दोस्तों वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बस हम जो भी है अपने आगे है उसे देख रहे थे और बाकी सब कुछ भूल चुके थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर वहाँ पर बिताने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों इच्छा तो नहीं हो रही थी लेकिन क्या करें, सभी लोकेशंस इतनी प्यारी है ना वहाँ पर कि हमें जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ही मिस कर देते तो शायद डबल कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और दोस्तों के साथ तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो लोकेशन था दोस्तों वो था हमारा हिल टॉप व्यू का। रास्ते में हमें बहुत ही क्यूट से बंदर भी दिखे जो लाल मुखे थे और बहुत ही छोटे छोटे थे, मतलब जो रेगुलर बंदर हम देखते हैं उनसे काफ़ी छोटे छोटे थे और फ्रेंडली भी थे, क्योंकि इतने नज़दीक होने के बावजूद भी वो हमसे डर नहीं रहे थे। तो अगर आप चाहो तो उन्हें खाना भी दे सकते हो लेकिन वैसे मत दीजिएगा। तो जैसे ही हम हिल टॉप व्यू पर पहुँचे तो देख सकते हो काफ़ी मज़ा आ रहा था। इतने प्यारे प्यारे पत्थरों को नक्काशी काम किया था, आर्टिस्टिक वर्क किया था कि क्या बताएं। और जो एक व्यू था वहाँ पर में टॉप हिल व्यू पर, जो आपको पूरा डैम है वो क्लियर दिख रहा था, सभी तरफ हरियाली और पानी और बड़े बड़े पहाड़, मतलब इतना मज़ा आ रहा था दोस्तों वहाँ पर। और वहाँ पर सबसे मेन था कि हवाएं, इतनी प्यारी प्यारी ठंडीगार हवा चल रही थी कि क्या बताएं। देख सकते हो कितने प्यारे पत्थरों पर वर्क किया था, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। और वहाँ पर भी आपको फ़ोटो क्लिक्स करने के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशंस मिल जाएंगी। एक फ़िश बनाई थी दोस्तों, ये तो वन ऑफ द फेवरेट है वहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था ना उसे देखकर। आर्टिस्टिक वर्क काफ़ी अच्छा किया था उस पर, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी मेंटेन रखी थी, काफ़ी सारे एनिमल्स के वहाँ पर में उन्होंने स्कल्पचर बनाए हुए थे और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर बनाई हुई है। एक एलिफेंट बनाया हुआ है आप देख सकते हो, और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर तो बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्स आते हैं। घूमते घूमते दोपहर हो चुकी थी दोस्तों और धूप भी काफ़ी लग रही थी, लेकिन हम थक नहीं रहे थे क्योंकि इतनी प्यारी जगह थी कि क्या बताएं। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि वहाँ पर ही कुछ खाते हैं, तो जो हमारी काकू बैठी थी उनसे ही हमने कुछ परचेस किया जो थी भेल। दोस्तों अगर आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ पर बनी हुई ताज़ी ताज़ी भेल ज़रूर लीजिएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने ना भेल का ऑर्डर दिया तो देख रहे हैं कि वो हमारे सामने ही ताज़े ताज़े सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर बना रही थी, और इतना अच्छी भेल बनी थी दोस्तों कि क्या बताएं। बहुत बहुत ही मज़ा आया, वो वन ऑफ द बेस्ट थी जो हमने अब तक ट्राई की थी। ऐसी भेल आपको सिर्फ वही मिलेगी, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देख सकते हो बंदर भी आ गया था भेल खाने के लिए, तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि हम भेल खा रहे थे और ऊपर में बंदर हमसे शायद भेल चाहता था, तो हमने तो नहीं दिया, बाद में वो आंटी ने उसे भगा दिया, जो देख सकते हो हमने उसे भगा दिया क्योंकि वो शायद परेशान करता था इसी तरह से लोगों को। तो आंटी ने कहा कि उसे कुछ खाने को मत दो। मेरे कब आएगी तू?
जीती जाए जिंदगाने कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया।